एक चैप्टर आपने पढ़ लिया, सारे प्रकार के वायरिंग आपने कर लिए हैं, वायरिंग सारी कर ली। अब वायरिंग करने के बाद एक एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा, अगर अपन फील्ड में जाते हैं, फील्ड में जैसे जाएंगे किसी मकान की वायरिंग वगैरह करने जाते हैं, तो पहले क्या मानते कि इस मकान की वायरिंग में कितनी लागत होगी और कितने में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन जॉब, जॉब तो यही हुआ कि भाई उस मकान में वायरिंग की लागत कितनी होगी, एस्टिमेटिंग निकालना। एस्टिमेट निकालने का अभ्यास आप पहले से करके रखो, वो किस प्रकार से किया जाएगा, तब जाके आप किसी मकान की वायरिंग का आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये आपका जो जॉब है तो उसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वायरिंग का प्रैक्टिकल ये है, इसमें एस्टिमेटिंग किस प्रकार से निकाला जाएगा। एक कमरा जैसे दे दिया, उसमें आप किस प्रकार से गणना करेंगे, तो सबसे पहले इसमें जैसे हॉस्टल या आवासीय, मतलब कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, रहने का मकान है उसका, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये सब सर्किट का कुल लोड कितना है ये आपको देखना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी कि इसमें भार कितना है, इस कमरे में कितने लैंप लगाए जाएंगे। लैंप जैसे 60 वाट का लैंप है या 100 वाट का लैंप लगे, 100 वाट के तो आजकल तो वो लैंप एलईडी आने लग गए, तो 18 वाट 20 वाट ट्यूबलाइट है, 40 वाट के फैन है, 60 वाट के, है ना। तो इस प्रकार से वाटेज कैलकुलेशन करना है कि इस घर के अंदर कितने बल्ब लगाए जा रहे हैं, कितने ट्यूबलाइट है, कितने पंखे हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद केबल की साइज, तार किस साइज का काम में लेंगे, और सामग्री की संख्या, होल्डर कितने लगेंगे, सॉकेट कितने लगेंगे, स्विच कितने लगेंगे, बोर्ड कितने लगेंगे, ये आपको, और वायरिंग की कीमत। अब कीमत निकालनी है, कितना वायर लगेगा, वो लंबाई चौड़ाई ना आपको नापनी पड़ेगी, कि कितने वायर जा रहे हैं उस सर्किट में, ये आपको नापना पड़ेगा, और वो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो उसके लिए ये प्रैक्टिकल में सिर्फ आप वायरिंग करने नहीं जा रहे हैं, वायरिंग की लागत निकालने जा रहे हैं, तो आपको एक तो टैप चाहिएगी, मापने का फीता चाहिए, तभी तो आप उसका एस्टिमेट निकाल पाएंगे। वायर गेज तो ठीक है, जरूरत है तो, नहीं तो आप, और स्टील रूल, माइक्रोमीटर, ये तो, और ज़्यादा पेंसिल और कागज और रबड़, ये चीज़ें आपको चाहिए। अब विधि, आप क्या करेंगे, सबसे पहले हॉस्टल के घर में वायरिंग लगने वाला सामान की अनुमानित दर निकालना है। तो ये आपको एक मान लो मकान है, उसका ये प्लान दे रखा है, पहले तो आपको प्लान चाहिए, जैसे ये बरामदा है, ये किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है, बेडरूम दो, ठीक है। मकान का आपको प्लान चाहिए, मतलब इस प्रकार से ये मकान है, इसमें दूरी कितनी, ये 3 मीटर, मतलब ये मीटर में दे रखा है, या आप फीट में कहो तो ये 10 फीट का है, ठीक है, 3 मीटर या फीट, तो मीटर में। फिर यहां से मान लो एक होल्डर यहां लगा है, तो फिर आप इसकी दूरी, दो तार यहां से यहां जाएंगे, ये कैलकुलेशन करना है, वो कैसे करेंगे। फिर इसके बाद लाइट, फैन, और इस रूम में कितने बल्ब चाहिएंगे, और कितने पॉइंट आपको लगाने हैं, इसमें कितने लगाने हैं, इसमें कितने लगाने हैं, किचन में कितने लगाने हैं, ये सारी आपको आवश्यकता के हिसाब से, लाइट, फैन, सर्किट का आपको एक प्लान तैयार करना है, ठीक है। और लोड का जो है ना डाटा एक बार पहले तैयार करना है। इसके साथ साथ ये चीज ध्यान में रखनी है, यहां पर ये एक दीवार की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, क्योंकि तार आपको दीवार से आर पार भी ले जाना पड़ेगा, इस दीवार से इस दीवार में जाएगा। अगर मान लो 2 तार या 4 वायर इस दीवार को क्रॉस कर रहे हैं, तो दीवार की मोटाई कितनी, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और जमीन से इसको ऊंचा लेना है, तो छत से, जमीन से छत की ऊंचाई, ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। पाइप लगाने की ऊंचाई कितनी दूरी पर लगने चाहिए, और स्विच बोर्ड की ऊंचाई, बस ये ध्यान रखना है। ये IE रूल है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का जो रूल है, कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, जैसे ये आपकी ये टोटल जो ऊंचाई है छत की, तो स्विच बोर्ड सब एक ही लेवल में होंगे, तो आपका 1.5 मीटर जैसे ये जमीन से इतनी दूरी पर सारे स्विच बोर्ड लगेंगे, उसके बाद कितना पाइप लगेगा ये आपको कैलकुलेशन करनी है। उसके बाद यहाँ से रन करेगा पाइप, वो आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब यहां पर एक सारणी आपको बनानी पड़ेगी। अब प्रैक्टिकल शुरू होता है यहां से, पहले तो नक्शा ले लिया, नक्शा के
अंदर फिर आप पहले इंडिकेशन दे दो, पंखे बल्ब कितने हैं। अब उस नक्शे के आधार पर, जैसे बरामदा है, बरामदे में एक बल्ब चाहिए 60 वाट का, एक पंखा चाहिएगा और एक प्लग चाहिए और एक पावर प्लग चाहिए। हो गया, हो गया ना, एक ब्लॉक का काम पूरा हो गया किचन में। और उसमें आपको ये 15 एम्पीयर का चाहिए। बेडरूम में 2+2 चार लैंप चाहिए। ये आपका एस्टिमेट निकाल दिया, पॉइंटों का हिसाब निकाल दिया कि हमने इतनी इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए। फिर नक्शे के बाद फिर सेकेंड स्थिति ये बनती है। इससे क्या मालूम पड़ा, टोटल उस घर में पॉइंटों की संख्या कितनी हो गई। पॉइंट इसको बोलते हैं पॉइंट, लाइट पॉइंट है, फैन पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है। गिनती कर लो इसकी, सबकी जोड़ कर लो, इतने पॉइंट हो गए, ठीक है, इतने पॉइंट हो गए, ये गिनती कर ली। उसके बाद अगला काम क्या करना है आपको, आप अपना नियम, ये कहता है कि भारतीय जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल है उस रूल के हिसाब से 6 एम्पियर लाइट और फैन के लिए और 16 एम्पियर पावर प्लग के लिए ये लोड गिना जाता है। तो अब फिर आप भार की गणना करो, ये किस लिए, वायर के साइज निकालने के लिए ये जरूरी है। आपको गिनना पड़ेगा कि कितना भार है, तो कितना मोटा वायर है, 1 mm का लेना है कि 0.75 का लेना है कि 2.5 का लेना है कि 1.5 का लेना है। ये वायर की जो साइज निकालने के लिए ये गणना करनी जरूरी है। तो ये गणना आपको करनी है वायर के साइज के लिए, और उसके आधार पर फिर सर्किट भी बनने चाहिए। इतने ऐसा नहीं कि ये 800 वाट का जो भार होगा तो एक सर्किट होगा, नहीं तो दूसरा अलग से सर्किट डालना पड़ेगा। सर्किट का मतलब ये हुआ कि आप मेन स्विच से 2 तार अलग से फेज और न्यूट्रल लाओ, एक एरिया अलग कर दो, दूसरा एरिया अलग कर दो। तो ये सब भार पे निर्भर करता है। तो आपने जो भार अलग अलग निकाल लिया उसके आधार पर आप सर्किटों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 17 पॉइंट चाहिए, तो सब सर्किट हेतु 8 या 9 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए। ये अपना रूल्स बना हुआ है, 8 पॉइंट से ज्यादा का जो अगर है, 17 पॉइंट है तो कितने सर्किट बनेंगे, 2 भाई, 8-8 एक सर्किट में, 8 और दूसरे में 9, ऐसे करके 2 सर्किट बनाओ। तो फेज न्यूट्रल अलग से लाने हैं तो 2 कटआउट, 2 MCBA लगेगी, मतलब 2 सर्किट हो गया लाइटिंग के। ये डिस्ट्रीब्यूशन में हो गया, पावर का एक अलग हो गया, सब सर्किट। इस प्रकार से आप सर्किटों का बंटवारा करेंगे, ठीक है। इसके आधार पर भी MCB बॉक्स चाहिएगा, MCB बॉक्स की साइज भी इसी के आधार पर होगी। तो एक घर के वायरिंग में ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद फिर लंबाई आपने, जैसे ये टोटल यहाँ जो आपकी ये साइज नापो आप, अब यहाँ से ये ऐसा सिंबल, ये लेआउट प्लान कहलाता है। लेआउट प्लान बना करके ना सब की दूरियाँ लिखो, कितनी कितनी दूरी पे जगह। अब दूरी के आधार पर आपको पाइप की कितने लंबाई पाइप चाहिएगा। अब आपको मार्केट में ये पता होना चाहिए कि एक 10 फीट का पाइप आता है अपना जनरली, है ना, इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग के लिए जो पाइप आता है वो 10 फीट लंबाई का होता है। तो कितने पाइप चाहिएंगे वो आपका कैलकुलेशन इस लेआउट प्लान से आ जाएगा, ठीक है। तो लंबाई टोटल ये 19 mm पाइप, ये सब की जोड़ लगा करके और कुछ वेस्टेज। अब यहाँ पर जैसे मान लो कटिंग करने जाते हैं तो कुछ पाइप के टुकड़े वेस्टेज भी हो जाएंगे। माना कि कहीं पर 10 फीट एक और 9 फीट आ रहा था, 1 फीट का टुकड़ा वेस्टेज गया, कि भाई पाइप ऐसा था नहीं कि फिर टुकड़े टुकड़े जोड़ करेंगे तो 10 फीट का, मान लो कहीं 11 फीट आया मान लो, तो फिर वो एक टुकड़ा तो एक तो पाइप लिया, फिर दूसरा पाइप जोड़ के कराओगे, कुछ वेस्टेज भी जाएगा। तो वो कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, कुछ पाइप वेस्टेज जाएगा 10%, टोटल इतने मीटर हो गया, ये इतने मीटर हमें पाइप चाहिए और उस सर्किट के लिए, दूसरे सर्किट के लिए। और इसमें भी जैसे 12 mm के पाइप कुल मिला करके अपने को 174 मीटर पाइप चाहिए। अब यहाँ सारी शाखाओं की जोड़ करके निकाल लिया। प्रशिक्षणार्थी केबल वायर के साइज से संबंधित थ्योरी में भी चयन कर सकते हैं, आपको थ्योरी भी इससे रिलेटेड जो पढ़ लेनी है ताकि आपको ये आइडिया लगेगा कि 1.5 mm का वायर है तो कितने एम्पियर सहन कर सकता है, 0.75 का कितने एम्पियर सहन करेगा, 2.5 का कितने एम्पियर है, तो इस हिसाब से। और
मजदूरी लगा, मीटर बोर्ड 2 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड 2 पॉइंट के हिसाब से, लाइट और पंखे 17 पॉइंट है, और ये कुल मिला के 23 पॉइंट मजदूरी की लागत की गणना करनी है। कहीं आपको कॉस्टिंग निकालनी है कि भाई ये मकान है इसका आपको वायरिंग का ठेका लेना है कितने में करोगे, तो ये चीजें जो देखनी है पॉइंट के आधार पर। तो कुछ रेट इस प्रकार से भी है, उदाहरण के लिए लागत 100 रुपया प्रति पॉइंट हो, यहां ये एक एस्टिमेट दे रखा है कि टेंटेटिवली रेट सब जगह अलग अलग वेरिएशन होता है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। 100 रुपये में करेगा कोई, 110 में करेगा कोई, 90 में भी करेगा कोई, 80 में भी कर देगा, है ना। तो आपने टोटल जो पॉइंटों की संख्या गिनी है ना 23 पॉइंट की वायरिंग, अब वो उस पॉइंट की वायरिंग के हिसाब से इतनी आएगी। ये सिर्फ लेबर है, मटेरियल नहीं आया इसमें, ये केवल मजदूरी है, ये आया मजदूरी। आप लेबर क्या लेंगे इसकी, ये मजदूरी की गणना पॉइंट के आधार पर ले सकते हो या डे के आधार पर ले सकते हो, जो भी है, लेकिन मैक्सिमम ये ट्रेंड चल रहा है पॉइंटों के आधार पर। तो आप पॉइंट की गणना इस प्रकार से कर ली, उसके बाद आपकी लेबर जो है वो ऐसे आपने गिन ली, ठीक है। अब जब कोई फील्ड में जाएंगे तो जैसे किसी वायरमैन के साथ में आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए कहीं ले जाएं, तो पूछना कि भाई ये मकान का जो लागत है आपने कितने में ठेका लिया है, मटेरियल सहित लिया है या लेबर में लिया है, मटेरियल मकान मालिक ला के देता है या मटेरियल अपन खुद को लगाना है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब आता है मटेरियल की सूची। अब मैंने कुछ टाइम पहले बोला था कि आपको मार्केट से जुड़ना पड़ेगा, है ना, तो मार्केट से तो जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि कॉस्टिंग क्या है। अब यहाँ सामग्री की सूची, 2 पोल मेन स्विच कितने का आता है, कॉस्ट कितनी है, MCB कितने की आती है, है ना। तो आपको ये चीजें मार्केट से जुड़ना पड़ेगा तो आप इसका आकलन निकाल सकते हैं। पहले एक्सरसाइज में मैंने कहा था कि आप मार्केट से जुड़े, है ना, आपके लोकल मार्केट से जुड़े, और जो जो सामग्रियां हैं, एक तो यहां आपको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये 2 पोल का मेन स्विच है, ये तो एक रंग मिल जाएगा, फ्यूज भी सिंगल यूनिट में मिल जाएंगे, आपको कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन समस्या कहाँ आएगी, वायर में, कॉपर वायर, ठीक है, 1.0 mm², 1 mm² का वायर चाहिए आपको 174 मीटर, है ना, 174 मीटर चाहिए। अब यहाँ आकर के थोड़ा सा विचार करना, इस पे आपको विचार ये करना है कि एक बंडल आता है, वायर बंडलों में आता है, है ना, 174 मीटर नाप ही कोई नहीं देगा, आपको एस्टिमेट करना तो बंडल में ही देना पड़ेगा। तो एक बंडल में कितने मीटर आते हैं, ये आपको फील्ड में जब जाओ तो उस समय जो पैकेट होगा उस पैकेट के ऊपर आपको देखना है कि 90 मीटर का एक बंडल आता है तो उसके ऊपर 92 का है, 90 का है, या फीट में अगर है तो 300 फीट है, 290 फीट है, ये चीज आपको नोट करनी पड़ेगी। उस आधार पर आपको यहां पर कितने बंडल वायर, अब 174 मीटर लिखा है, अब यहां 174 की जगह आप क्या लिखेंगे, 2 बंडल वायर, कि 2 बंडल ही तो लिखे जाएंगे, 1.5 बंडल या 174, 2 चिमूतर फीट घाट के नहीं देगा। अगर वो थोड़ा बहुत छोटा पड़ गया, बड़ा हो गया तो वेस्टेज जाएंगे, 10% अपन वेस्टेज मानते ही हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी, कुछ तो नंग पे है और कुछ जो है वो बंडल में मिलेगा। ऐसे ही आपको इसमें पाइप है, ठीक है ना, PVC पाइप 19 mm में चादर की मोटाई अधिक हो। अब यहाँ पर जो है थिकनेस वाले, पतले भी आते हैं मोटे भी आते हैं। अब आप ये बोलोगे कि ये मोटे लेने हैं पतले लेने हैं, कोशिश करो मोटे लो ताकि वायरिंग में मजबूती आ जाए। और ये 6 मीटर लिखा है, 6 मीटर। अब मार्केट में ये अवेलेबल कैसे होते हैं, 10 फीट का एक पाइप होता है। अब ये स्टैंडर्ड बने हुए टुकड़े मिलते हैं ना, 10-10 फीट के टुकड़े मिलते हैं। अब ये 6 मीटर लिखा है तो फीट कितने हो गए, अब ये भी तो गणना करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा,
एक मीटर में 3 फीट होते हैं कि एक मीटर में लगभग अनुमानित 3 फीट होते हैं, तो 36-18 फीट हो गया, मतलब 2 पाइप के बराबर हो गया ये। और यहाँ पर ये 62 मीटर है, 62 मीटर इंटू 3 करोगे 36-18 180 है ना, 186 के आसपास हो गया ये, 186 फीट हो गया। तो 10 फीट का मतलब ये 18 पाइप के आसपास आ गया, 19 नग ऐसा लिख के देना पड़ेगा आपको। ये जो प्रैक्टिकल है उसमें वायर के जो एस्टिमेट निकालना है वो इस प्रकार से लिख के देना पड़ेगा। मल्टी स्टेयर वायर 174 मीटर जो आपको बता ही दिया, बंडोल में मिलता है, पाइप है वो फीट में मिलता है। तो इस प्रकार से आपको ये एस्टिमेट बना के देना है। और कॉस्टिंग क्या है ये आप एक बार इस चीज़ को नोट कर लें। नोट करने के बाद आप अपने लोकल मार्केट में हर चीज़ की वैल्यू है वो नोट करके रखें, और जब आप किसी जॉब पे, अब अगला आपको कहीं जॉब पे ले जाएंगे ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, तो उस समय आप किसी मकान के वायरिंग के लिए अभी चर्चा कर रहे हैं कि किसी मकान की नई वायरिंग हो रही हो वहाँ आपको ले जाया जाएगा, तो थोड़ा सा आपका ये माइंड में ये सेट होना चाहिए कि ये मटेरियल है उसकी कॉस्टिंग क्या रहती है और कितने में ये पड़ता है। लेबर आपकी अलग है और मटेरियल की कॉस्टिंग अलग है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने ये सारी चीज़ें इसमें सारा मटेरियल ले लिया है, सारी चीज़ें एक बार जोड़ ली कि इसका इतना इतना खर्चा आएगा, इतने नंग हैं, क्या भाव पड़ता है, ये सारा देख लिया, मजदूरी की लागत भी इसमें जोड़ दिए, आकस्मिक खर्च 10% आकस्मिक, कभी कभार कुछ ऐसा चीज हो, ऐसे सडनली कोई चीज़ वेस्टेज होगी, उसके अलावा कोई आपका टूल्स वगैरह टूट गया या कोई और खर्चा बढ़ गया सडनली जिसकी कहीं हिसाब किताब में नहीं है, तो 10-1% उसकी टॉलरेंस हो सकती है। 10% टोटल लागत की आपको अलग रखनी है, उसको जोड़ना है एस्टिमेट में। कुछ चीज़ें वेस्टेज भी जाएगी, आप कीले मान लो इसमें ये सीमेंट है, सीमेंट ये 2 किलो की जगह कुछ वेस्टेज हो गई, ठीक है, तो मजदूरी लागत में तो ये अपन जोड़ ही रहे हैं, ये कीलियाँ हैं 25 नंग की 1 किलो है, वुडन की स्क्रू ये 25 नंग है, 25 नंग की जगह 1 स्क्रू इधर उधर गिर गया या किसी का हेड खराब हो गया या कोई खराब भी निकला तो क्या होगा, फिर तो कुछ टॉलरेंस तो उसमें रखनी पड़ती है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको एस्टिमेट निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रत्येक सामग्री का मूल्य, अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मूल्य में फिर आगे एक शब्द और लिखा है, क्या लिखा है, एक शब्द और है, इस बात पे ध्यान देना है, उच्च किस्म की। अब यहाँ पर किस्में भी अलग अलग है, वायर का बंडल तो आपको एक अलग रेट में मिलेगा, दूसरा अलग रेट में मिलेगा, स्विच जो है वो 15-20 रुपए का स्विच भी आता है, 30 का भी आता है, 50 भी आता है, मॉड्यूलर लाए और फैशन वाला लाए, तो फिर आपका एस्टिमेट उससे भी वेरी होगा, उससे भी बदलेगा ना, फर्क तो पड़ेगा ही। तो उच्च किस्म के सामग्री के मूल्य की सूची से प्राप्त की जा सकती है, प्रत्येक सामग्री का मूल्य प्लस किस्म, मतलब दोनों चीजें साथ में आपको रखनी है। अगर आप ये वाला लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग ये आएगी, अगर ये लेते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ये आएगी, ये वेरिएशन भी आएगा। तो पहले तो एक बार ये घर की वायरिंग का कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपन वर्कशॉप की वायरिंग के बारे में जाएंगे, वर्कशॉप की वायरिंग अपन बाद में करेंगे।